तो बड़ा है ये, बड़ो बहुत है। आगे आगे कमरा में बस अपने ससुराल जाने वाली है, तो मैंने सोचा एक बार इसको दिखा देते हैं डॉक्टर को, फिर चलते हैं। तो मेरे साथ नानी भी जा रहे हैं, ये देखो ये मेरे नानी है, जा रहे हैं ये हॉस्पिटल जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, अस्पताल जा रहे हैं, बाजार बाद में जाएंगे। तो हम लोग आ चुके हैं हॉस्पिटल और काफी ज्यादा भीड़ है यहाँ पर, अंदर का नहीं दिख रहा। मीठी है, चक्कर में कोई निम्बोली भी खाई जाए तो निम्बोली मीठी लगती है, तो निम्बोली का है ना, नहीं बीज उसका बीज बीज चूस के और फेंक दो, अच्छी लगती है। नमस्ते, आज के हमारे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मौसम हो रहा है एकदम बारिश जैसा, मतलब बारिश तो हो ही रही है, और मैं दिखाती हूँ आपको हमारे घर पे कौन कौन आया है। आज गरम गरम चने खा रहे हैं, देखो सभी नानी जी लेटे हुए हैं, मौसी है मेरे, मौसी हाय, तो मौसी है ये, मामी जी हैं, ये भी मेरे मौसी हैं एक बड़े वाले, ये तो मम्मी आप सब जानते हो, और ये नानी जी है, नानी जी तो लेट भी गए सो गए, और ये देखो ये भी बैठे बैठे आराम से खा रही है चने। मैं थोड़े से टाइम के लिए ऊपर चली गई थी और मेरे को बहुत जोर जोर से आवाज आ रही नीचे से, चले मैं देखती हूँ कौन आया है। कौन आया सुनाना जी, मैं ऊपर से सोच रही कि इतनी आवाज कैसे आ रही है नीचे से। हाँ मेरे को 2 महीने हो गए, हाँ 2 महीने हो जाएंगे अभी। पूरा घर आज भरा हुआ है और उसी खुशी में आज हम बनाएंगे दाल बाटी, सब लोग मिलकर दाल बाटी खाएंगे। क्या क्या लेके आऊं, आलू बैंगन टमाटर सब्जी, कितने कितने तरह की लेके आऊं, 3-4 तरह की सब्जी इकट्ठे ले आऊं, हाँ। पापा के साथ, ठीक पापा, बन सकता है, पापा फोन पे बात कर रहे, अभी देर से जाऊंगी। तू क्या कर रहा, खेल रहा और उसको खिलाना, सारी मत खा जाना तू। ये देखो हम सब इधर दाल बाटी बनाने में लगे हैं, और ये दोनों देरानी जेठानी क्या कर रहे हैं आप लोग, बातचीत कर रहे हैं, कितने दिन बाद मिले, बहुत दिन बाद मिले, आप गोरनी से आए हम धार, अच्छा यहाँ पे तो इस मौके पे सब मिल रहे हो, चलो इस बहाने में भी सबसे मिल लूंगी। बाहर हो रहा है बारिश का मौसम, ये देखो हवा बहुत तेज चल रही है, तो सब्जी लेने मैं जाऊंगी पापा के साथ, लेकिन मोबाइल को मैं घर पर ही रख के जाऊंगी, क्योंकि नहीं तो ये भीग जाएगा। तो ये 3,000 रुपए दे के ना इसमें कार्ड चालू करवाए, ये किरण की बात है। तो खाना सबने खा लिया है और अब सब है सोने की तैयारी में, क्योंकि सबको बहुत ज्यादा नींद आ रही है। ये देखो इधर लग गया है बिस्तर, तो इधर भी देखो, इधर भी चैतन्या भी को भी झोली में सुला दिया है, इसके मामा इसको सुला रहे हैं, और बस अब यहाँ भी हम लोग बिस्तर लगा के यहाँ पे हम लोग सोने वाले हैं। तो मिलते हैं अब आपसे अगले ब्लॉग में, आज के लिए बस इतना ही, नमस्ते। चैतन्या सो जाओ बेटा, सो जाओ, चलो सब सो गए ना, कहाँ गई इसकी नींद, चैतन्या चलो सो जाओ, सो जा बेटा, चलो सो, चलो बंदर आ जाएगा नहीं तो, बंदर आपने रखी वहां पर ककड़ी, मरे बोची